लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाएं, लेकिन उनमें बहुत सारी समस्या हैं, कैसे करेंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम है और लोग इसको करना नहीं चाहते। लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं और बोलते हैं ये बेकार का काम है, ये वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, और वो 9 से 5 की जो ड्यूटी या बिजनेस या कुछ भी 12 घंटे 10 घंटे में ऐसे व्यस्त हैं, 10 से 12 हज़ार कमाने के लिए ऐसा व्यस्त हैं वो, कि वो खुद के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं कि एक्चुअल हमारे को जीवन मिला कैसे, और मिला है तो इसको जीना कैसे है। आपको आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि आपके मन में यदि कोई भी डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको देखिए आज बहुत सारे कारण गिनाने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना चाहिए, एक्चुअल चीज़ क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करते हैं हम। ये एक ऐसा बिज़नेस है, आप बाहर के बिज़नेस में जाइए या किसी भी व्यवसाय में जाइए, आपने यदि छोटी सी दुकान भी खोल रखी है और आपने यदि आपके सामने दुकान के सामने यदि आपके को किसी ने दुकान खोल रखी है, तो वो ये चाहेगा कि मेरी दुकान बढ़िया चले, और कहीं ना कहीं यार उसके जो ग्राहक हैं मेरे दुकान में आने चाहिए, और कहीं ना कहीं वो ये सोचेगा कि इसकी कैसे बंद हो, मतलब पैर खींचने का काम वहाँ चलेगा बाहर के मार्केट में। और किसी भी बाहर में आप देखो, कोई चाहे राजनीति पार्टी में ले लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग में ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ में ले लीजिए, यदि आपको आगे बढ़ना है तो दूसरों के पैर को खींचना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम दूसरों की मदद करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। यदि मैंने आपकी मदद किया तो आपने यदि बिजनेस आगे किया तो वो मेरी भी ग्रोथ है। तो मैं ये चाहता हूँ, ये सिस्टम ही ऐसा है कि आपको अपने लोगों की या दूसरे लोगों की मदद करके ही आगे बढ़ेंगे। अगला कारण बताता हूँ, लागत नहीं लगती। ये इतना शानदार बिजनेस है, कोई लाखों करोड़ों फंसाने की ज़रूरत ही नहीं है, लाखों करोड़ों लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पैसा फंस जाएगा, मार्केट से पैसा आएगा नहीं और हमारा पैसा लाखों रुपए फंस जाएगा, बिल्कुल कोई लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार का जो कहा जाए एक नॉर्मल अमाउंट आप ला के और अपने घर में प्रोडक्ट रख सकते हैं, आस पड़ोस में इसके बारे में बात कर सकते हैं और आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कारण, कर्मचारी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कहीं ऑफिस डालने की ज़रूरत नहीं, कहीं आपको सैलरी बांटने की ज़रूरत नहीं, कर्मचारी रखने की ज़रूरत नहीं है। सबका आधार कार्ड और KYC और ID बनी हुई है। हर व्यक्ति जितना काम करता है महीने का, उतना उनको पैसा उनके अकाउंट में जाता है, उनका अपना बराबर हिसाब हो जाता है, उनको महीने के अंत में या वीक के अंत में जितना भी आपका पे आउट है वो आपको मिलता है। तो कर्मचारी रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। आपने लाखों करोड़ों लगाए कहाँ हैं? आप बाहर बड़े बड़े बिजनेस धंधे में व्यापारों में देखेंगे तो कहीं कोरोना के वजह से पूरा व्यापार ठप हो गया, कहीं कहा जाए तो वेयर हाउस में आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन आपके लिए तो कोई रिस्क नहीं है। इसलिए भी इस बिज़नेस को किया जा सकता है कि ये बिज़नेस जो है रिस्क फ्री है। हर बिज़नेस में रिस्क है, बड़े से बड़ा बिज़नेस में रिस्क है, लेकिन इस बिज़नेस में कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। और लोकल एरिया में काम कर सकते हैं, आपको कहीं और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूपी MP गुजरात इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लोकल एरिया से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, तो लोगों से हम लोकल एरिया में शुरू कर सकते हैं। और ये मन में आप बिल्कुल मत लाइएगा कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे से सुनते नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं यहाँ इस एरिया के, सभी एरिया में ऐसे ही लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 80-20 का जो रूल है वो काम करता है, कि 10 लोगों से आपने मिले तो आपके 8 लोग नेगेटिव होंगे और
दो लोग आपकी बात मानेंगे, तो 80-20 का रूल ही देखिएगा, सब लोग आपका बिजनेस नहीं करेंगे। तो ये बात आप मन में जरूर मत लाइएगा कि यहाँ के लोग खराब है। ऐसे करते 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 मैं आज इतना सारा बिजनेस कर पा रहा हूँ, और आज भी लोग बोल रहे हैं कि इस एरिया के लोग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, सही से समझदार नहीं है, इनको समझाना मुश्किल है। अगला का, काम करने का समय स्वयं तय कर सकते। कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी पावर है। हम किसी भी नौकरी में, किसी भी बिजनेस में, हम 9 से 5 फिक्स है। आपको वहाँ काम करना है या नहीं करना है, आपको इधर पे खुद डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल में मुझे काम जो है कितने टाइम करना है, सुबह करना है या शाम को करना है, दोपहर में 2 घंटे करना है कि कब करना है। इस तरीके से भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। काम करने का जो समय है आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, आपके अनुसार से ये समय रहेगा कि मैं कब करना चाहता हूँ। उधारी नहीं फंसेगी। इस बिज़नेस में बहुत बड़ी ये पावर है। लाखों करोड़ों के बिज़नेस जो हैं वो डूब जाते हैं इसी चलते, इसी उधारी के चलते। लाखों रुपए मार्केट में, प्रॉफिट प्रॉफिट का कुछ पता नहीं। हमने जमा तो किया पैसा, हमने माल तो मंगाया, लेकिन उधारी जो देनी है वो, यदि मेरा प्रॉफिट 1 लाख है तो उधारी देना है 2 लाख। तो ऐसे इस तरीके की उधारी जो फंसी होती है, लोग बड़े बड़े बिजनेस तबाह हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक दुकान पे, किराना दुकान पे बैठा था, गुप्ता जी थे। गुप्ता जी ने बोला अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये बिज़नेस टोटली बंद कर दूँगा और उधारी वाला कोई काम ही नहीं रहेगा और मैं क्या चुपचाप नौकरी करूँगा। सालों से, मतलब 2 से 3 पीढ़ियों का बिजनेस है, जो वो ऐसा डिसीजन ले लिया कि मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं है, मैं कर्मचारियों को तक पैसा नहीं दे पाता, इतनी हालत ख़राब हो गई है कि जो मेरा पैसा है मार्केट में वो फंसा हुआ है, आ ही नहीं रहा। तो ये देखिए कितनी बड़ी पावर है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी ज़्यादा उधारी फंसती ही नहीं। आपने सामान दिया, 2-3 दिन के बाद दिया, आपने सामान दिया, आपने अमाउंट दिया, तो यहाँ उधारी फंसने की कोई बात ही नहीं है। और सामान, सभी को सामान अवसर है, क्या बात है। ये इतनी बढ़िया चीज़ है कि हम यदि किसी कंपनी में, हम एक कर्मचारी हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया इस महीने, यदि तो जो सम्मान मिलेगा, जो एक बड़ा पैसा मिलना है, वो आपके बॉस को मिलना है। आपकी इज्जत नहीं होनी, वहाँ बॉस की इज्जत होनी है। तो यहाँ पर क्या है, आप खुद का नाम बना सकते हैं, खुद को आगे ले जाके प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके अंदर जो काबिलियत है, उस काबिलियत को आगे बढ़ा सकते हैं और आप आगे आ सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है सभी को सामान अवसर इसलिए दिया जाता है क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाले को ही पैसा मिलता है। नहीं, आप आएंगे और आप यदि अच्छे से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो आपके जो लोग हैं, आपके जो जो ऊपर ज्वाइन है, वो भी पीछे हो सकते हैं। यदि आपने बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, यदि वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया नीचे से, उनको पैसा कम आ सकता है लेकिन आपको ज़्यादा आ सकता है क्योंकि आपने बढ़िया काम बनाया। उसके बाद व्यक्तिगत विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट शानदार होती है। कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, क्या नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग आपको एक कंप्लीट पर्सन बना दिया जाता है वहाँ पर। और बोला जाता है कि यू आर अ लीडर। एक व्यक्तिगत विकास, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पर होती है क्योंकि आपको ऐसी ऐसी एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि मतलब एक पालन पोषण करना पड़ता है जो हमारे साथ जो लोग आते हैं उनका। तो ये जो जो क्वालिटी है, ये बहुत शानदार क्वालिटी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में बाय पार्ट मिलती है आपको व्यक्तिगत विकास की। अगला अगला जो पॉइंट है वो है परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। पालन पोषण अच्छे से कैसे कर सकते हैं, यदि हमारे पास जो लोग आते हैं, यदि हमने उनको सिखाया, उनको पढ़ाया, उनको सही रास्ते पे लेके आए, और सही कहा जाए तो सही रास्ते पे लेके और उन्हें सफल बनाया, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्वालिटी आ जाती है कि एक परिवार को भी कैसे एक
सेफ स्टेट में रखना है और कैसे उनको एक सही तरीके की क्वालिटी और एजुकेशन कैसे देना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट सिखाई जाती हैं। इतने सारे कारण होते हैं और लास्ट में जब इतने सारी चीज़ें आएंगी तो राजाओं महाराजाओं वाली ज़िंदगी तो ऑटोमेटिक होनी ही होनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ा जो मेरा हमेशा से सवाल होता है कि इतने सारे जब फ़ायदे मिलते हैं तो क्या इस काम को कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए, 101% कर लेना चाहिए। इतने सारे फ़ायदे, इतने सारी चीज़ें किसी और व्यवसाय में नहीं मिलते, और मिलती हैं तो आपको लाखों करोड़ों लगाना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को हर उस व्यक्ति को भेजिए जो ये बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, फंसने का काम है, ये सारी चीज़ें नहीं है। आपको हर एक व्यक्ति को ये वीडियो भेजना है और बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।